चेन्नई वर्सेस दिल्ली का जो मैच खेला गया, इस मैच में फिर से और एक बार मेगा कॉन्टेक्स हमारा हाथ से निकल गया। तो सबसे पहले हम लाइव प्रूफ देखेंगे, उसके बाद में आज के मैच के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक एक बार जरूर वॉच करें। तो दोस्तों, मैं अपना ड्रीम इलेवन का अकाउंट ऑन कर लिया, तो आप लोग देख सकते हो ये रही है सी एस के वर्सेस दिल्ली का मैच। फास्ट प्राइज भी आप लोग देख लीजिए कितना है, सीधा 2 करोड़ रुपीस। इसमें हमारा पॉइंट्स कितना है, 878.5 है। रैंक की अगर हम बात करें 5940 है, ठीक है। अब मैं टीम खोलकर दिखाता हूं और कहां पर हम लोगों ने गलती किया जिसके कारण 2 करोड़ हमारा हाथ से निकल गया, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना टीम को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा जो टीम का कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार है, आप लोग पूरा कॉम्बिनेशन को देख लो। मैं एक प्लेयर को मार्क कर रहा हूँ, के यादव, ठीक है। के यादव की जगह पर अगर हमारा पास एस सिंह होता तो दोस्तों आराम से हम लोगों ने 2 करोड़ रुपीस विन कर लेते, ठीक है। अब मैं 2 करोड़ जीतने वाला का टीम भी ओपन करता हूं, जिसका पॉइंट है 962। इसका टीम भी देख लीजिए, सेम टू सेम है, बस के यादव की जगह पर इन्होंने लेके रखा है एस सिंह को और वाइस कैप्टन बना दिया एम आली को। सिर्फ 2 चेंजेस की वजह से मेगा कॉन्टेस्ट का 2 करोड़ का प्राइज हमारा हाथ से निकल गया, ठीक है। और सेम टू सेम हुबू वही टीम मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया थी। ये रही है दोस्तों हमारा टीम, आप लोग टीम का कॉम्बिनेशन देख लो। अगर आपको ऐसा ही बेस्ट और धासु कॉम्बिनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि लाइन अप आने के बाद फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगा। सिर्फ आईपीएल का नहीं, आईपीएल छोड़ के अदर्स स्पोर्ट और भी कई सारा मैचेस होता है जिसका मैं वीडियो अपलोड वगैरह नहीं करता हूं, सभी मैचेस का टीम्स और टिप्स आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हम कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मैच प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक प्लेयर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन सा प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाकर ट्राई करना है। और साथ ही साथ मैं स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाकर भी दिखाऊंगा किस सिचुएशन पे कौन सा प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, कौन सा बैट्समैन किस बॉलर का पिटाई कर सकते हैं, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप करे पूरा देखिए। जितना सारा पुराना यूजर्स है उन सभी भाइयों को पता है कि जब मैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ तब आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन मैं करके दूंगा हर एक प्रेडिक्शन आपको लिख कर नोट करके रख लेना है, नहीं तो लाइन अप आने के बाद आपका माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ने नोटबुक और पेन लेके बैठ गया। तो दोस्तों, मैं अपना ड्रीम इलेवन का अकाउंट ऑन कर लेता हूँ और हम हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस प्लेयर को हमें लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन सा प्लेयर को किस सिचुएशन पर ड्रॉप करना है, पूरा लॉजिकली हम डिस्कस करने वाले। सो प्लीज़ यार वीडियो को 1 सेकेंड गलती से भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विकेट कीपर सेशन पे, ठीक है। तो विकेट कीपर में ना आप लोगों को 3 प्लेयर्स दिख जाएगा, एक लोकेश राहुल, दूसरा डीकॉक और तीसरा है साहा। देखिए आप प्रॉब्लम कहां पर है, तीनों जो विकेट कीपर है तीनों है ओपनर बैट्समैन। अब हम एक एक प्लेयर्स के बारे में अगर जानेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और किस प्लेयर को हमें इस मैच में पिक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोकेश राहुल के बारे में जान लेते हैं। देखिए लोकेश राहुल ओपनर बैट्समैन है और दोस्तों इस सेशन पर अगर इसका रिकॉर्ड की बात करें तो 11 मैचेस खेल के 491 रन है और 50 का एवरेज है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि हर एक मैचेस में एवरेज में 50 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, मतलब इजीली आप लोगों को 80 से 90 पॉइंट दे सकती है और काफ़ी अच्छा फॉर्म में है। अगर हम इनके साथ दूसरी टीम का बॉलर्स का प्लेयर बैटल देखें तो रशीद खान ने इसको 4 बार आउट करके रखा है, लोकी फर्गुसन ने 1 बार और जोसेफ ने 2 बार आउट करके रखा है। अब देखिए लोकेश राहुल है एक टॉप ऑर्डर का ओपनर बैट्समैन, रशीद खान जिन्होंने इनको 4 बार आउट करके रखा है वो है मिडिल ऑर्डर का बॉलर। अब दोस्तों जब ये दोनों आमला समला होगा ना तब लोकेश राहुल ऑलरेडी 6 से 7 ओवर खेल जाएगा और ये बंदा अगर 6 से 7 ओवर खेल गया तो आप लोग समझ सकते हो कि एक बड़ा इनिंग्स आराम से खेल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आज का मैच में लोकेश राहुल फिर से फायर करेगा। दूसरा जो प्लेयर है वो है डीकॉक, जिसका सिलेक्शन 77% है। इसके
बारे में अगर हम देखें तो इस सेशन में इन्होंने भी 11 मैचेस खेला और 344 का स्कोर है, 31 का एवरेज है। किसी मैच में 50 भी जोड़ा था, किसी मैच में 20 में भी आउट हुआ और किसी मैच में 25 में भी आउट हुआ है। और अगर हम 50 की बात करें तो इस सेशन में 11 मैचेस खेल के इनके नाम पे 3 50 से ज़्यादा स्कोर है, मतलब 3 ही बार 50 कर पाया। तो 11 मैचेस में से 3 बार 50 मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, एवरेज भी इनका स्कोर ठीक ठाक रहा। और दूसरी टीम के साथ इनके अगर प्लेयर बैटल हम देखें तो रशीद खान ने इसको 1 बार आउट करके रखा, मोहम्मद शामी ने इसको 3 3 बार आउट करके रखा है। ठीक है, आप देखिए, ये हो गया एक ओपनर बैट्समैन, रशीद खान हो गया एक मिडिल ऑर्डर का बॉलर। तो दोस्तों जब अमला समला होगा तब ये बंदा भी कहीं ना कहीं मतलब स्कोर बनाकर आउट हो जाएगा। अगर रशीद खान इसको आउट ले भी लिया तो एक बड़ा इनिंग्स खेल जाएगा, पर प्रॉब्लम कहां पर है, मोहम्मद शामी जो कि एक ओपनर बॉलर है और डीकॉक जो कि एक ओपनर बैट्समैन है, दोनों का जब आमला सामला होगा, मोहम्मद शमी ने इसको 3 3 बार आउट करके रखा है, तब ये बंदा आज के मैच में फंस सकते हैं। तो अगर आप राहुल और डीकॉक को लेकर कन्फ्यूज हो तो भाई राहुल को गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट मैच में बैड लक की वजह से 0 बॉल खेल के 0 पे रन आउट हो गया था, वो प्लेयर का एक बैड लक होता है। बट आज का मैच में अगर आप राहुल को छोड़कर रिक्स ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बड़ा गलती करोगे। तो राहुल और डीकॉक किसी एक को अगर आपको लेना है तो मैं बोलूंगा कि आप राहुल को लेकर जाओ, बाकी आप डीकॉक का कब ट्राई करना जब आप मोहम्मद शमी को आप एज ए बॉलर ट्राई नहीं करोगे ना, उस सिचुएशन पे आप डीकॉक को लो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ आप डीकॉक को रखो बट मोहम्मद शमी को हटा दो, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जहां पर आप डीकॉक को हटा दो और मोहम्मद शमी को आप अपना टीम पे शामिल करो। तो ऐसे ही छोटा छोटा मतलब एनालिसिस को देखते हुए अगर आप जीएल कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो भाई इजीली आराम से जीएल मिनी जीएल आराम से विन कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा प्लेयर का नाम क्या है, साहा। साहा की अगर हम बात करें इस सेशन में इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है, 6 मैचेस खेला, 209 के स्कोर है, 34 का एवरेज है। प्लेयर बैटल की अगर हम देखें तो कुणाल पांड्या अकेला इसको परेशान करते हैं जो कि एक ही बार इनको आउट करके रखा है। तो साहब ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक मैच में देखा जाए तो आप लोग अगर ड्रीम इलेवन खोल के देखोगे तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है हर एक मैच में काफ़ी अच्छा रहा, 50-60 करके एवरेज में हर एक मैचेस में पॉइंट दे रहे हैं। तो दोस्तों 3 विकेट कीपर में से आप लोगों को साहा और राहुल दोनों को लेके जाना है, 3 विकेट कीपर में से 3 को अगर ले रहे हो तो मोहम्मद शमी को आपको उस टीम पर ड्रॉप कर देना है। अब हम आ जाते हैं बैट्समैन सेशन पर, तो बैट्समैन सेशन पर आप लोगों को मिल जाएगा डेविड मिलर, जिनका सिलेक्शन 72% है। क्या इस प्लेयर को आज के मैच में लेना चाहिए या ड्रॉप करना है वो आपको एनालिसिस से पता चलेगा। डेविड मिलर कितना नंबर का बैट्समैन है, नंबर 5th का। ठीक है, मतलब 4 विकेट जाने के बाद इसका बैटिंग आएगा। ठीक है, हर एक मैच में उठा के देखा जाए तो इनका बैटिंग आ ही जाते हैं, कभी इसको ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है, कभी कम बॉल खेलने का मौका मिलता है। इनका अगर हम इस सेशन का अगर परफॉर्मेंस की बात करें, 11 मैचेस खेला, 306 स्कोर है, 61 का एवरेज है। एवरेज इनका काफ़ी हाई है क्योंकि मैक्सिमम मैचेस में ये बंदा नॉट आउट रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है, 11 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच ऐसा निकल कर आ रहा है जिसमें इन्होंने 50 जोड़ के रखा है, मतलब 50 से ज़्यादा स्कोर जोड़ के रखा है, बाकी सभी मैचेस में इसका जो स्कोर है वो 50 से नीचे है। तो इससे भाई तो हमें पता चल गया कि कोई बंदा अगर 50 जोड़ नहीं पाया तो उसको अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे तो वहीं पर हमारा टीम फ्लॉप हो जाएगा। सो इसको एज ए साइड प्लेयर ट्राई करो, नॉट ए कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि ये 11 मैचेस में से एक ही मैच में बड़ा इनिंग्स खेला है, बाकी में थोड़ा थोड़ा करके इनका एवरेज इसने मेंटेन करके रखा क्योंकि ये नॉट आउट रहा था। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि डेविड मिलर को लेके मैं कैप्टन बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं हाफ भाई कुछ गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम प्लेयर बैटल की बात करें, चामेरा ने इसको 1 बार आउट किया, एखन ने 1 बार, होल्डर ने 2 बार आउट करके रखा है, मतलब दूसरी टीम का 3 बॉलर मिलके इसको टोटल परेशान करके रखा। और ये बंदा अगर थोड़ा ऊपर में आएगा ना तो आज के मैच में अच्छा करेगा, तो मुझे लग रहा है कि इस मैच में मिलर भी फॉलोअप होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बैट्समैन की बात करें तो आ जाएगा दीपक हुडा। दीपक हुडा की अगर हम देखें तो इनका जो अभी का जो ट्रेंडिंग सिचुएशन चल रही है, ये बंदा 1 डाउन पर आ रहा है, मतलब नंबर 3 का बैट्समैन है। इन्होंने भी 11 मैचेस खेल के रखा है, 320 स्कोर किया और 29 का एवरेज है। रशीद खान इसको 1 बार आउट किया है और जोसेफ ने भी इसको 1 बार आउट किया है, तो ऐसा कोई बॉलर्स नहीं है जिसमें इसको मतलब खतरा इसको झेलना पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर दीपक हुडा आज का मैच में भी 1 डाउन पे आएगा तो मुझे लग रहा है कि अच्छा इनिंग्स खेलेगा, मतलब 20-25-30 आराम से कह दिया, क्योंकि ये हिटिंग के चक्कर में अपना विकेट दे देते हैं। तो आज के मैच में अगर 1 डाउन पर आएगा तो सो आज के मैच में आप लोग टीम पे जरूर शामिल कर लेना। नेक्स्ट प्लेयर है सुमन गिल। सुमन गिल का अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इनका सिलेक्शन काफ़ी हाई है,
है 85% सिलेक्शन है और ये एक ओपनर बैट्समैन है। इसका अगर हम इस सेशन की रिकॉर्ड की बात करें 11 मैचेस खेल के 321 का इनका रन है और 29 का एवरेज है। एक ही प्लेयर है ए खान जिसने इसको दो बार आउट करके रखा है। तो सुमन गिल अगर ए खान को थोड़ा टिक कर खेल गया तो आज के मैच में आराम से 50 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी 11 मैचेस खेला 350 जोड़ के रखा है। तो दोस्तों अगर आप सुमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो। जीएल में तो एक टीम पे इसको कैप्टन जरूर ठोकना और उस टीम पे आप ए खान को हटाकर टीम कॉम्बिनेशन बनाना क्योंकि ये अगर पीटेगा तो ए खान को पीटेगा, ये अगर विकेट जल्दी दे देगा तो ए खान को विकेट दे सकते हो। सो अगर ए खान को ले रहे हो तो सुमन गिल को हटो, सुमन गिल को अगर ले रहे हो तो ए खान को, थोड़ा लॉजिक को भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आते हैं दोस्तों मार्कस एस्टोनिस, इसका जो अभी ट्रेंडिंग सिचुएशन चल रहा है कि ये बंदा काफी नीचे आ रहा है, नंबर 6-7 पे आ रहा है और बॉलिंग भी नहीं कर पा रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहेगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसका सिलेक्शन काफी कम है और इसी प्लेयर के चलते हम लोगों ने 2-3 मैचेस में क्लीन स्वीप भी किया था, साई सुदर्शन। इस बंदा का जो अभी परफॉर्मेंस रहा 5 मैचेस खेल के 145 किया, 36 का एवरेज है और 5 में से एक मैच में यह बंदा 50 जोड़कर भी रखा है। तो जीएल में आप लोग कहीं ना कहीं इसको वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो क्योंकि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, नंबर 4 पर आ जाते हैं, 2 विकेट जाने के बाद ही पूरा एंट्री मार लेते हैं और दोस्तों पूरा हिटिंग करने के चक्कर में यह बंदा कभी कभार विकेट भी देता है और कभी कभार बड़ा इनिंग्स भी खेलकर चला जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने विकेट कीपर डिस्कस किया, बैट्समैन के बारे में डिस्कस किया, अब हम आ जाते हैं अपना ऑलराउंडर सेशन पे, ठीक है। ऑलराउंडर पे आप लोगों को सबसे पहले दिख जाएगा हार्दिक पांड्या जिसका सिलेक्शन आप लोग देख सकते हो 83% है, ठीक है। क्या ये बंदा आज का मैच में फिर से फायर करेगा? सब लोग इसको कैप्टन बनाने के लिए सोच रहे, क्या आप भी इसको कैप्टन बनाकर आज के मैच में बड़ा विन कर सकते हो? देखिए बस हार्दिक पांड्या वन डाउन पे अभी आ रहे हैं। इसके अगर हम इस सेशन की बात करें तो 10 मैचेस मिला के 333 है और 41 का एवरेज है। इसको चामेरा ने एक बार, ए खान ने एक बार और होल्डर ने दो बार आउट करके रखा है, मतलब तीन ऐसा बॉलर है जो कि इसको टोटली परेशान करते हैं, ठीक है। बट होल्डर को इन्होंने पीटीआई भी किया है उतना ज़्यादा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। लगभग 200 का स्ट्राइक रेट में इसको पीटीआई भी किया है, अगर 6 बॉल खेला तो 12 मार दिया, अगर 12 बॉल खेला 26 मार दिया, ठीक है, उसके बाद ही ये विकेट देता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि 2-3 मैचेस में ये बंदा फ्लॉप होकर आ रहा है, सो आज का मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अगर इनका टीम को विन करना है तो हार्दिक पांड्या का चलना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो प्लेयर है ऑलराउंडर सेशन पे है वो है कुणाल पांड्या, दोनों भाई भाई एक साथ में हैं आज, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा भाई विन करते हैं कौन सा भाई हारते हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आज का मैच कौन सा टीम जीत सकती है। कुणाल पांड्या के अगर हम देखें तो 11 मैचेस खेल के 9 विकेट लिया और इनका जो इकोनॉमी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, 6.5 का इकोनॉमी रेट है। इकोनॉमी रेट मतलब कुछ लोगों का समझ में नहीं आती, इकोनॉमी रेट मतलब वो कितना बॉल खेल के कितना रन मारने के लिए, मतलब 6 बॉल में अगर 6 दिया तो उसका इकोनॉमी रेट हो गया 6 का, ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमी रेट। तो इनका जो इकोनॉमी रेट है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो आ गया जेसन होल्डर, इनका सिलेक्शन भी 56% है। ये बंदा अभी 9 मैचेस खेल के 12 विकेट लेके रखा है बट इनका इकोनॉमी रेट 9.5 की ऐसा कुछ है, मतलब ये जैसा विकेट लेता है इसका धुलाई भी होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉलर सेशन पे, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा रशीद खान। तो दोस्तों रशीद खान एक बॉलर्स नहीं आप भी एक बैट्समैन का भी काम करते हैं। आप लोगों ने भी देखा एक ऐसा मैच था जहां पर रशीद खान ने इतना ज़्यादा धुलाई किया कि मैच को पूरा चेज ही कर लिया। तो रशीद खान की अगर हम देखें तो इसको अभी विकेट तो नहीं मिल रहे, इस सेशन पर 11 मैचेस खेल के 11 विकेट लिया और ये कभी भी 2-3 विकेट आराम से निकल सकती है। नेक्स्ट मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो 11 मैचेस खेल के 15 का विकेट लिया, तो हर एक मैच में 1.5 के एवरेज में ये बंदा भी विकेट ले लेता है, मतलब हर एक मैच में एटलीस्ट तो एक विकेट निकल कर आप लोगों को दे ही देगा, 25-30 आराम से आप लोगों को पॉइंट दे देगा। इनका भी जो इकोनॉमी रेट है वो 9.5 का इकोनॉमी रेट है। नेक्स्ट अगर हम बॉलर्स की बात करें तो आ जाते हैं दोस्तों डी चामेरा, जिसका सिलेक्शन काफ़ी कम है, 22% है। चामेरा के अगर हम देखें 9 मैच खेल के 9 ही विकेट लिया, 7.5 का एवरेज है। उसके बाद ए खान की अगर हम बात करें इनका भी सिलेक्शन 68% है, 9 मैच खेल के 14 विकेट लिया। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि मोहम्मद शमी एक इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा, ए खान दूसरा इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा, रशीद खान एक कॉमन पिक रहेगा, लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोकी फर्गुसन पर, लोकी फर्गुसन का सिलेक्शन काफ़ी कम है, 15% सिलेक्शन है, 11 मैचेस खेला, इस सेशन पर 12 विकेट लिया। आप लोग इसको जीएल में जरूर ट्राई करना, अगर इनका टीम पहले बॉलिंग करे तो लोकी फर्गुसन को आप लोग जीएल में ऑब्वियसली ट्राई कर लेना।
जैसे कि काल का मैच में सिर्फ एक प्लेयर्स की वजह से हमारा मेगा कॉन्टेक्स मिस हो गया। सो गाइस आप लोगों को छोटा छोटा चेंजेस करके अपना लाक भी आजमा कर देखना है, क्योंकि मेरा लाक और आप सबका लाक एक जैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर की अगर हम बात करें एम खान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। 5 मैचेस खेल के 9 विकेट लेके रखा, मतलब हर एक मैचेस में 2-2 विकेट लेके क्षमता रख दिया। तो इसको भी आप लोग GL में कैप्टन वाइस कैप्टन ऑब्वियसली ट्राई करना। उसके बाद लास्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो जोसेफ भी दोस्तों ठीक ठाक है, एवरेज है, GL में आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग मैं एक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि किस प्रकार आप लोगों को टीम बनाना है। तो विकेट कीपर में 3 में से मैं अभी पिक करूंगा लोकेश राहुल और साहा को। इस मैच में कहीं ना कहीं क्रेडिट का भी इशू आने वाला है जैसे हम देख रहे हैं। उसके बाद मैं हुडा को पिक करूंगा, सुमन गिल को लूंगा। अभी मैं डेविड मिलर को नहीं पिक करूंगा, अभी मैं आ जाऊंगा साई सुदर्शन पे, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और हर एक मैच में थोड़ा बहुत स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर पर मैं पिक करूंगा हार्दिक पांड्या को, जैसन होल्डर को दोस्तों आज मैं पिक करूंगा, कुणाल पांड्या को अभी मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर मेरे पास क्रेडिट होगा तो मैं ऑब्वियसली कुणाल पांड्या को भी पिक करूंगा। नेक्स्ट मुझे चाहिए रशीद खान, मोहम्मद शमी और एम खान और ए खान, ये 4 बॉलर मुझे चाहिए, इसलिए मैं कुणाल पांड्या को ड्रॉप कर दिया। टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है, आप लोग चाहो तो ए खान नहीं तो रशीद खान की जगह पर कुणाल पांड्या को भी शामिल कर सकते हो। लास्ट में हम देखेंगे कि पिच किस टाइप का है, पिच किस बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिनर को या पेसर को, उसके अकॉर्डिंग हम कुणाल पांड्या को पिक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कैप्टन मेरा लोकेश राहुल रहेगा। मैं आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि इस मैच में मैं किसी भी हालत में लोकेश राहुल को नहीं छोड़ूंगा, तो सबका कैप्टन वही मुझे नजर आ रहा है, तो मेरा कैप्टन भी वही रहेगा। आप आ जाते हैं वाइस कैप्टन पे। वाइस कैप्टन आप चाहो तो सुमन गिल को भी ट्राई कर सकते हो, हार्दिक पांड्या को भी ट्राई करो। अगर आपको बॉलर में से किसी एक को ट्राई करना है तो मोहम्मद शमी ने तो एम खान को आप ट्राई करके जा सकती हो। तो अभी के लिए मेरा वाइस कैप्टन रहेगा सुमन गिल। तो टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो यही रहेगा दोस्तों हमारा स्मॉल लीग खेलने का टीम। इनके अलावा जो भी चेंजेस होगा, जो भी हमारा GL वगैरह का टीम आएगा, वो आएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज्वाइन कीजिए और फ्री का फायदा जरूर उठाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं और एक ऐसा नया वीडियो पर।